तक आपने इसका पुराना एपिसोड नहीं देखा है तो गाइज पहले वो जाके एपिसोड देख लो, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और एपिसोड का लिंक आपको ऊपर भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। करते इस एपिसोड को चालू। Mr. Calm again! Yeah? You in a bot! Tum gaye kaam se! Maine kar dikhaya! यहाँ तो एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जा रही हैं, पर मेरा काम होने ही वाला है। मैं अभी हार नहीं मान सकता, लेकिन फिर भी संभल के इतनी जल्दी। माफ करना, थोड़ी सी देर हो गई। मिस्टर गामक, क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ अजीब चल रहा है? नहीं पता, मुझ में उतनी समझ नहीं। वो जिसकी आंखें सिक्स पार्ट्स के सेज की जैसी हैं, वो सारे मेनस्ट्रीम निंजित्सु में भी माहिर था, हर किस्म के जुत्सु में माहिर बन चुका था, लेकिन फिर भी क्यों वो मेरे खिलाफ सिर्फ समनिंग जुत्सु क्यों इस्तेमाल कर रहा है? मिस्टर गामक, तुम घर जाओ, अब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। जिराया, तुम मुझे इस किस्म की लड़ाई झगड़े वाली जगहों पर ही क्यों बुलाते हो? जानता हूँ काफी वक्त बाद मिले और आपको यहाँ बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। सिक्स पार्ट्स की आंखें? फिर ठीक है, तुम्हें इस वक्त अपने फॉर्म की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हम शुरू करें? उसने इतना सब कुछ जो किया वो इन दो फ्रॉक्स को बुलाने के लिए था। सेंसो ने खुद को भी बदल दिया है। आखिर वो कहाँ पर है? बढ़ती उम्र के साथ तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, इसे बाहर निकालती हूँ क्रीचर डिटेक्शन जुत्सु से। उसकी वजह से तुम्हारे रिंकल्स और बढ़ जाएंगे। और तुम्हें ऐसे चिड़चिड़े बंदे से लड़ना क्यों है? क्योंकि ये ओपोनेंट पहले मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था। तो क्या ये वही है? हाँ। आपने मुझे बुलाया? जिराया, इन्होंने तुम्हें सपने में देखा, तो ध्यान से सुनो। दिन महान निंजा बनोगे, तुम्हें एक दिन खुद का स्टूडेंट मिलेगा, तो निंजा वर्ल्ड में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वो या तो ग्रेट स्टेबिलिटी होगी या ग्रेट डिस्ट्रक्शन, लेकिन उनमें से क्या होगा मैं नहीं कह सकता। भविष्यवाणी वाला बच्चा, क्योंकि अब तक जो मैंने देखा है ये सही राह पर चलकर बड़ा नहीं हुआ है। तो यदि ये सही राह पर नहीं चल रहा तो इसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज है। ठीक है, चलो शुरू करें। आहा, मिल गया। कितना तेज है। पकड़ा गया। कहाँ जाओगे? तो ये है रेनिगान। हाँ, कितनी खतरनाक आंखें हैं। ओ, तुम होगे जो उसके इस बदलाव को सही दिशा दोगे। एक मुश्किल फैसला। सोचता हूँ क्या यही वो फैसले की घड़ी है जिसकी आप बात कर रहे थे। इस बार उसने इंसानों को बुलाया है। तुम वो हो जो दुनिया में डिस्ट्रक्शन लाने वाले हो, तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है। ये तीनों, ये चल क्या रहा है? तीन रेनेगान कैसे हो सकते हैं? उसके पीछे जरूर किसी किस्म की ट्रिक होगी। मेरे ख्याल से कुछ करने का सही वक्त यही है। बाद से सिर्फ से जुत्सु की ही जीत होगी। हमारे कानों में इतनी जोर से चिल्लाना बंद करोगे? आज मेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही। चलो अब जल्दी से खत्म करो, मुझे घर जाना है। माँ, फोकस करो, ये अल्टीमेट विजुअल जुत्सु है। अब कौन किसके कानों में जोर से चिल्ला रहा है? इतने भी बुरे नहीं हो। अब क्या तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करोगे? लड़के तुम ऑयल और पा तुम विंस्टाइन। सेजाक, पॉट्स ऑफ बॉइलिंग ऑयल। क्या काम हो गया? सारा ऑयल गायब हो गया। हम तीन जाकर उसको क्लोज कॉम्बैट में आजमाएं। मेरा सारा जुत्सु अब्सॉर्ब कर रहा है। तुम्हारे पीछे उसने बिना देखे अटैक को ब्लॉक कर दिया। उसका हर एक मूव निशाने पर है। उसके बजाय उसने बिना समन किए या पलटे उसे ब्लॉक कर दिया। चल क्या रहा है? और उनके बीच ना कोई वर्बल सिग्नल्स, ना ही आई कांटेक्ट हो रहा है। ये सब कोई आम क्लोन्स नहीं है। क्या तुमने अब तक नोटिस नहीं किया? पहले हमने इन पर पीछे से हमला करना चाहा, उस समय इन तीनों में से एक की नजर पूरे समय हमारे ऊपर थी। इसी ट्रिक से वो जो देखते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तीनों की आंखें इमेजेस शेयर करती हैं। क्या तुम्हें सच में ये लगता है? लेकिन फिर भी आखिर ये है क्या?
ये ठीक नहीं है। इन तीनों का सामना करना मुसीबत मोल लेना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतने ताकतवर होंगे। पीछे हट जाना ही ठीक रहेगा। वो पाइप्स के जरिए भाग गया। हम लड़ाई से भाग क्यों रहे हैं? इसका मतलब उन तीनों के ही पास सिक्स पैथ रेनेगॉन है। मुझे यकीन नहीं होता इतने सारे लोगों के पास रेनेगॉन कैसे है। असली प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छा है या बुरा। आखिर कौन है? जिनका अंदाजा हम खुद लगा सकते हैं। का विजन लिंक्ड है। हाँ, लेकिन इसका मतलब क्या है? उसी तरह वो तीनों भी अलग दोज व्यू पॉइंट्स भी देख पाते हैं। वो भी परफेक्ट टाइमिंग और बिना अपने दुश्मन को अपनी आँखों से देखे। ये सब बिना किसी हैंड साइंस या मैनिपुलेटिंग चक्कर के। मुश्किल तो है। एक एक करके लड़ना होगा कि इस तरह मैं उन्हें हरा दूंगा। वो एक दूसरे से अलग ना होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या ऑप्शन है गेंजुत्सु? मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर जहाँ तक मुझे याद आता है हम दोनों तुम सही हो। इसी वजह से हमें उसे इस्तेमाल करने का एक मौका मिल जाए। सुनो, शायद इस वक्त पूरी दुनिया का अमन इसी लड़ाई पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, हमारा सबसे पावरफुल गेंजुत्सु। ये गेंजुत्सु बहुत पावरफुल है। इसके काम करने के लिए हमें साउंड्स कंबाइन करके एक मेलोडी क्रिएट करनी पड़ेगी। और इस सब का असर होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। क्या बात है जिराया? अगर इस लड़ाई में आपकी जान खतरे में होने वाली है तो मेरे कंधों से आजाद कर लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन जानता नहीं कि वो काम करेगा या नहीं। मुझे बताओ। प्लीज शुरू कीजिए। ये क्या हो रहा है? ये आवाज गेंजुत्सु वहां अंदर से आ रही है। एक शैडो क्लोन। यह है तुम्हारा मूव। मेरा रिस्क काम कर गया। पहले वाले ने सिर्फ समनिंग यूज किया था। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। सिर्फ एक किस्म की एबिलिटी है। इस वक्त बड़े वाले की आंखें मेरे जुत्सु पर टिकी हैं। तो अब इनमें से सिर्फ एक है जो मुझे अभी तो डार्क स्वॉर्म है। आखिरकार हमारा सामना हो ही गया। तो तुमने हमें पकड़ लिया। अब तुम्हारी दूसरी बॉडीज क्या, तुम्हारी मेन बॉडी तक बिल्कुल हिल नहीं पाएगी। मुझे आपसे इस तरह के गेंजुत्सु की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें अच्छी तरह सिखाया। नागाटो, तुमने गलत फैसला ले लिया। मैं सिर्फ उन दोनों की रक्षा करना चाहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े। मैं समझता हूँ कि जरिए दुनिया पर राज करने के बजाय अपना पावर इस्तेमाल करके दुनिया में अमन लाते तो निंजा वर्ल्ड में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वो या तो ग्रेट स्टेबिलिटी होगी या ग्रेट डिस्ट्रक्शन, लेकिन उनमें से क्या होगा मैं नहीं कह सकता। एक पल के लिए मुझे यकीन हो गया था कि तुम ही वो हो। अलविदा नागाटो। आखिर ये खत्म हुआ। क्या तुम दोनों ठीक हो? सच कहता हूँ, गेंजुत्सु गाना गले के लिए बहुत खराब होता है। वो जुत्सु किसी भी रूप में आसान नहीं है। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ, मैंने आखिर अपना चुनाव कर ही लिया। हमेशा चौकन्ना रहना आप ही ने सिखाया था ना? तुम्हारे लेफ्ट हाथ में चोट लगी है। आखिर ये चल क्या रहा है? ठीक है फिर। पेन के छह पांच हमें इन सबका सामना करना पड़ेगा। तुम आखिर क्या हो पेन? वो नाम पेन असल में एक डेजिग्नेशन है जिससे हम छेओं को एक ग्रुप की तरह पुकारा जाता है। लेकिन क्यों छे रेनेगॉन बेरर्स क्यों हैं? तुम तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना मत भूलना।